ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको दीपक से संबंधित जानकारी दूंगा। सनातन धर्म में घर की सुख शांति और संपदा के लिए दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ के समय अग्निदेव की आराधना की जाती है और भगवान के समक्ष दीपक जलाकर रखा जाता है। यह हिंदू धर्म की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। दीपक जलाने से अंधेरा दूर होता है, साथ ही इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। विभिन्न समय पर विभिन्न प्रकार के दीपक जलाए जाते हैं जो वातावरण को शुद्ध करते हैं और हमारे घर में खुशियां लाते हैं। हमारे घर से नकारात्मकता दूर होती है, लेकिन इसके कुछ नियम भी होते हैं। अगर आप गलत तरीके से दीपक जलाते हैं तो आपका पैसा नष्ट हो सकता है, दरिद्रता आ सकती है, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना है। दीपक प्रज्वलित करते समय आपको जलाने से संबंधित कुछ नियमों का ध्यान रखना है। अगर आप मिट्टी के दीपक जला रहे हैं तो वह दीपक खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित दीपक जलाने से मन का आत्मविश्वास कमजोर होता है, धन हानि होती है। अगर आप भगवान के समक्ष दीपक जलाकर रख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर घी का दीपक जलाएं हैं तो उसे बाएं हाथ की तरफ रखना चाहिए। तेल का दीपक जलाएं तो उसे दाहिने हाथ की तरफ रखना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आपने किसी साधना या सिद्धि का संकल्प लिया है तो आपको आटे का दीपक जलाना चाहिए। न्याय के देवता भगवान शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए, उनके साढ़े साथी और ढैया के प्रकोप से बचने के लिए तिल के तेल का और या सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाने का सही समय प्रातःकाल 5 से 10 के बीच होता है। सायंकाल 5 से 7 बजे के बीच दीपक जलाने का शुभ मुहूर्त बताया गया है। शास्त्रों के हिसाब से दीपक जलाने के कुछ नियम और भी होते हैं। दोस्तों, जब भी आप दीपक जला रहे हों तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि भगवान शिव जी के बिल्कुल चिपटा करके आपको दीपक नहीं रखना है, थोड़ी दूरी बना करके रखना है। साथ ही दीपक जब जला रहे हों तो दीपक को बिना आसन के नहीं रखना चाहिए। दीपक को बिना आसन के नहीं रखना चाहिए, इससे दीपक का आपकी पूजा का फल नहीं मिल पाता। देवी देवताओं के सामने दीपक जलाते समय विशेष रूप से प्रार्थना करनी चाहिए और दीपक जलाते समय यह ध्यान रखना चाहिए, जब आप मंत्रों का जाप कर रहे हों तो दीपक की जो लौ है वह किस प्रकार बन रही है। अगर दीपक की लौ में फूल बन रहा है तो यह व्याधि शुभ माना गया है। अगर दीपक आपका जलाते ही बुझ जाता है तो आपके लिए ठीक नहीं है। अग्नि पुराण के अनुसार जो मनुष्य मंदिर अथवा ब्राह्मण के घर में 1 वर्ष तक दीपक दान करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार चतुर्थ मास पूरे अधिक मास या अधिक मास की पूर्णता के लिए या प्रतिदिन नदी किनारे, देवालय, घर के मंदिर, घर के मेन दरवाजे और पितरों की फोटो के सामने दीपक जरूर जलाना चाहिए। किसी भी पूजा अथवा त्यौहार पर घी या तेल के दीपक जलाने से घर में सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होता है। अगर आप दीपक जला रहे हैं, दीपक में आपको किसी देवी देवता की आकृति नजर आती है तो यह आपके सौभाग्य का प्रतीक है। अब आप धनवान बनने वाले हैं, आपके जीवन में खुशी आने वाली है। वही दोस्तों, अगर आप दीपक जला रहे हो, दीपक बार बार बुझ रहा है तो यह आपके धन हानि का संकेत होता है। दीपक की लौ के संबंध मान्यता है कि उत्तर दिशा की ओर लौ रखने से स्वास्थ्य और प्रसन्नता बढ़ती है, पूर्व दिशा की ओर लौ रखने से आयु की वृद्धि होती है। ध्यान रखें कि यदि मिट्टी का दीप जला रहे हैं तो दीप साफ और साबुत हो। दीपक जलाने के बारे में कहा जाता है कि सम संख्या में जलाने से ऊर्जा का संकलन होता है। जब भी विषम संख्या में दीपक जलाने पर वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। यही वजह है कि धार्मिक कार्यों में हमेशा विषम संख्या 11, 21, 31 की संख्या में दीपक जलाए जाते हैं। दोस्तों, दीपक प्रतिदिन घर में जलाएं, घी का दीपक जलाएं, तिल के तिल का दीपक जलाएं, तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं तो बिना आसन के नहीं जलाना चाहिए। नीचे चावल और पुष्प जरूर रखें। दीपक की लौ अगर गोल है तो ये आपके लिए व्याधि शुभ मानी जाती है। दीपक की लौ अगर तिरछी होती है, यानी जैसे तलवार की धार होती है उस प्रकार से हो, तो ये आपके लिए शुभ नहीं मानी जाती। तो किस प्रकार से दीपक की लौ बनती है जब आप दीपक जलाते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें।